हाँ तो भाई आज हम लोग अपनी वेबसाइट को सर्विस वर्कर से ऑफलाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट पड़ी हुई है, PWA के नाम से फोल्डर है, एक इंडेक्स की फाइल है, एक CSS की फाइल है। ये देखो कुछ भी नहीं है, बस एक हेडर है, मेरी प्यारी सी तस्वीर है, नाम है और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है भाई। अच्छा इसको कोड से खोलते हैं। ये हमारी इंडेक्स की फाइल है, एक CSS लगी हुई है, इसके अंदर एक फॉन्ट है, नीचे हमारे पास एक हेडर सेक्शन है और एक डिव है, डिव के अंदर दो पैराग्राफ हैं, एक इमेज है। ये CSS है, कुछ स्टाइलिंग हुई भी है इसमें, हेडर की स्टाइलिंग है और बॉडी की स्टाइलिंग है, बस सिंपल सी। अच्छा डेवलपर्स टूल खोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इसको ऑफलाइन करके रिफ्रेश करूँ ना, देखो सारी फाइल्स लोड हो रही हैं। वो क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर से डायरेक्ट फाइल्स उठ रही हैं और जो है ना वो चल रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक सर्वर पे इसको चलाना है। सर्वर कहीं पर हमारे पास अवेलेबल तो नहीं है, तो क्रोम में हम खुद का सर्वर जो है वो सर्च करते हैं, क्रोम वेब सर्वर। ये मेरे पास इंस्टॉल है, अगर आपके पास इंस्टॉल ना हो तो आप इसे इंस्टॉल करना, और यहाँ पर ये ऐप्स के पास जो है आपके पास अवेलेबल होगा। यहाँ से इसको रन करेंगे, फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, PWA सेलेक्ट किया, सर्वर चलाया, ये लिंक आपके पास आ गई। इस लिंक को आप खोलोगे ना तो वो आपकी जो फाइल्स हैं वो एज अ सर्वर इसको सर्व कर रहा होगा। अब जब मैं इसको ऑफलाइन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये ऑफलाइन हो गया, मतलब देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन, डायनासोर बना हुआ आ गया। अब जब मैं इसको दोबारा ऑनलाइन करूँगा तो ये फाइल मेरी सारी सर्व हो गई। अच्छा यहाँ पर एप्लीकेशन टैब में आपके पास सर्विस वर्कर का टैब है, यहाँ से भी आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन कर सकते हो। अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी सर्विस वर्कर मौजूद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला जो है अपने सर्विस वर्कर बनाएंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं sw.js। अच्छा हम जो है वर्कर मैंने आपको बताया था आपके अपने फाइल से बिल्कुल अलग थ्रेड पे हट के वो अलग उस पर चल रहा होता है, आपकी फाइल से उसका कोई लिंक नहीं होता। तो फाइल में आप क्या करोगे, किसी तरीके से बताओगे सर्विस वर्कर को कि भाई मेरे फाइल से लिंक हो जाओ और मेरे फाइल्स को कैश करना स्टार्ट कर दो। तो हम अपने ऐप में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे navigator.serviceworker.register और यहाँ पर वो पाथ देंगे जहाँ पर हमारे सर्विस वर्कर की फाइल रखी है। अच्छा अब ब्राउजर में पहले चेक करना है कि सर्विस वर्कर सपोर्टेड है या नहीं, तो हम कहते हैं इफ सर्विस वर्कर नाम की की अगर इन डॉट नेविगेटर, अगर नेविगेटर में मौजूद है, नेविगेटर बेसिकली ब्राउजर, वरना फिर एल्स में कॉन्सोल लॉक करा दो, ब्ला ब्ला ब्ला, सर्विस वर्कर नॉट सपोर्टेड, ठीक हो जी। अच्छा जी अब यहाँ पर जब सर्विस वर्कर रजिस्टर हो जाएगा तो, क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है तो ये देन में हमें रिस्पांस देगा। अगर आप रिस्पांस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रिस्पांस को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली कॉन्सोल करवा देते हैं कि सर्विस वर्कर रजिस्टर हो गया, और अगर एरर आता है तो वो कैच में आएगा, कैच से हम एरर को उठाते हैं और कॉन्सोल करवा देते हैं, कॉन्सोल डॉट एरर, एरर इन रजिस्टरिंग सर्विस वर्कर, बस। अच्छा अब चलते हैं अपनी फाइल में, रीलोड करते हैं, ये देखो सर्विस वर्कर रजिस्टर हो गया। अच्छा जी यहाँ सर्विस वर्कर में आते हैं, यहाँ पर हाँ हम क्या करते हैं कि इवेंट बेस्ड काम करते हैं, मतलब ये कि सर्विस वर्कर के जो इवेंट्स होते हैं, सर्विस वर्कर जब इंस्टॉल होना शुरू होता है, सर्विस वर्कर जब एक्टिवेट होना शुरू होता है, सर्विस वर्कर जब मतलब कोई भी काम कर रहा होता है ना, तो हम उस काम को रोक के उसमें अपना काम कर रहे होते हैं। मतलब बेसिकली जब सर्विस वर्कर इंस्टॉल हो रहा होगा हम उसे रोकेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई ये जो इवेंट है इसको रोक के हम इसमें फाइल्स को कैश करना शुरू करेंगे। उसके बाद जब दूसरा काम होगा, जब सर्विस वर्कर एक्टिवेट हो रहा होगा, अच्छा एक्टिवेट के इवेंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो करंट हमारी कैश की फाइल्स हैं उनको रखते हैं और बाकी पुरानी जितनी भी कैशेज होती हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, ये काम हम एक्टिवेट में कर रहे होते हैं। अच्छा फेच में हम क्या करते हैं, फेच में हम जो नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है ना हमारे ऐप से, जो नेटवर्क को रिक्वेस्ट जा रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ भाई वो नेटवर्क रिक्वेस्ट नेटवर्क पर जानी चाहिए, या हम जो है उस नेटवर्क रिक्वेस्ट को पकड़ के कैश से फाइल लाकर रिटर्न कर देंगे। सही जी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने कैश का एक नाम बना देते हैं, मैं कहता हूँ वेरिएबल ऐप वर्जन के नाम से, मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया ऐप का वर्जन, वर्जन 1.00। अच्छा अब जो फाइल्स हमें कैश करवानी है उनको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम एरे पास करेंगे। तो एरे का फॉर्मेट आपको पता होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहली फाइल, फिर कॉमा से सेपरेटेड दूसरी फाइल, फिर तीसरी फाइल, इस तरीके से इसका फ्लो चलता है। यही हम करेंगे, पहले में हम रूट देंगे, दूसरे में हम इंडेक्स की फाइल, कुछ लोग इंडेक्स की फाइल और रूट की फाइल, अगर रूट उन्होंने दे दिया है तो फिर इंडेक्स की फाइल नहीं देते, हम यहाँ पर दोनों दे रहे हैं।
अच्छा index.css यहाँ से मैं इमेज भी ले लेता हूँ। अच्छा जी अब इंस्टॉल पे काम करते हैं। हम कहते हैं सेल्फ डॉट एड इवेंट लिसनर। अब यहाँ पर इवेंट को लिसन करेंगे। कौन से इवेंट को हमें लिसन करना है भाई? इंस्टॉल के इवेंट को लिसन करना है। उसमें हमें एक फंक्शन चलाना है और जो इवेंट है उसको हम पकड़ेंगे। हम कहेंगे इवेंट डॉट वेट अनटिल, मतलब अच्छा वेट करो कब तक? जब तक अंदर का काम मुकम्मल ना हो जाए। अंदर क्या काम हमें करवाना है? अंदर हमें करवाना है फाइल्स को कैश। तो कैश डॉट ओपन, अब ये क्या करेगा? ये नए एक कैश बना देगा जो आप इसके अंदर नाम देंगे। तो हमने कहा ठीक है, जो ये हमारा ऐप का वर्जन है उस नाम का कैश बनाओ। उसके बाद वो जब कैश बना देगा, ये भी एसिंक फंक्शन, कैशेस के जितने भी फंक्शन होते हैं वो एसिंक होते हैं। उसके बाद देन में वो हमें उस कैश का नाम दे देगा। हमने कहा सही है, उस कैश में जाओ और फिर कैशेस रिटर्न करो कैश डॉट एड ऑल, सारी फाइल्स को ऐड करेगा। ये जो फाइल हमारे पास है इनके हमने रेफरेंस दे दिया, ये सारी फाइल्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। अगर कोई एरर आता है तो वो एरर हम लोग कंसोल करवा लेते हैं। कंसोल एरर, एरर इन एडिंग फाइल्स टू कैश, ये हमारे पास है। अच्छा जी अब कंसोल करवा देंगे जब सारा काम हो जाएगा कि सर्विस वर्कर इंस्टॉल, सर्विस वर्कर हमारे पास इंस्टॉल है। अच्छा ये जो लाइन मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट स्किप वेटिंग, इसको अभी आप लोग स्किप कर दो, इसको हम एक्स्ट्राज में देखेंगे एंड में। यहाँ पर हम आते हैं, ये देखो रिफ्रेश किया हमने, सर्विस वर्कर यहाँ पर आ चुका है और ये फाइल्स भी हमारे पास कैश हुई। अब अगर मैं ऑफलाइन जाऊँ और रिफ्रेश करूँ तब भी हमारे पास नो इंटरनेट कनेक्शन ही आ रहा है, फाइल्स नहीं आ रही, क्योंकि वो कैश तो हो गई है लेकिन अभी हम उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं। अच्छा सेल्फ डॉट एड इवेंट लिस्ट में जहाँ पर हम एक्टिवेट के इवेंट को पकड़ेंगे, और एक्टिवेट में मैंने आपको बताया था कि पुरानी अगर कैशेज हम उनको डिलीट कर रहे होते हैं, हम कहेंगे ठीक है इवेंट डॉट डॉट वेट अनटिल, अब तक वेट करना है कैशेज डॉट कीज। इससे क्या होगा, जितने भी कैशेज हैं ना उनके नाम आपको मिल जाएंगे, उनकी लिस्ट मिल जाएगी, ये रिटर्न करता है उनकी लिस्ट। तो हमने कहा सही है, कैशेज नेम्स हमारे पास आ गए, और फिर हमने कहा रिटर्न प्रोमिस डॉट ऑल, इसे भी हम एक्स्ट्रा में देखेंगे एंड में, इसको अभी छोड़ दें क्या चीज़ें अगर नहीं समझ में आई तो। कैशेज नेम में जाएंगे, मैप का फंक्शन चलाएंगे और कहेंगे कि ठीक है जो भी कैश है अगर कैश का नाम जो है वो मैच नहीं करता हमारे करंट कैश के नाम से, तो सबसे पहले तो कंसोल करा देते हैं। डिलीटिंग ऑल्ट कैश, कैश का नाम, और फिर हम क्या करते हैं कैशेज डॉट डिलीट, और वो जो कैश जो मैच नहीं करती उसका नाम दे देंगे, वो कैश जो है वो डिलीट हो जाएगी। जब सारी फाइल्स आपकी डिलीट हो जाएंगी उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न डॉट सेल्फ डॉट क्लाइंट्स क्लेम, इस लाइन को भी अभी आप सेल्फ डॉट स्किप वेटिंग की तरह स्किप कर दो। अच्छा अब फैच का इवेंट, तो सेल्फ डॉट एड इवेंट लिसनर, फैच का इवेंट हम लिसन करेंगे। अच्छा अब डिसाइड करते हैं कि भाई हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि इवेंट जो भी हो उसको लेना है और उस इवेंट के रिक्वेस्ट को हमें कैश में देखना है। तो इवेंट कंसोल कराएंगे, ये मैं अपनी मर्जी के लिए करा रहा हूँ, आप ना कराओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इवेंट की रिक्वेस्ट है और उसका जो भी यूआरएल है, अच्छा जी इवेंट डॉट रिस्पॉन्ड, ये करेगा वो कि रिस्पॉन्स होगी उसको अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड बना के देगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कैशेज में जाओ और जो भी इवेंट की रिक्वेस्ट है उस नाम लो, अगर मिलता है तो रिस्पॉन्स लाओ और रिटर्न कर दो, और अगर नहीं मिलता तो सिंपली फैच के इवेंट को चलाओ और फैच करके नेटवर्क से रिक्वेस्ट लाकर यूज़र को डिस्प्ले करा दो। मतलब कि अगर कैश में है तो कैश से दे दो, नहीं तो फिर कैश जिस तरह फैच की इवेंट आई थी उसी तरह फैच करो नेटवर्क से और लाकर दे दो। अब जब रिफ्रेश करते हैं तो ये चल रहा है। अब हम ऑफलाइन आते हैं, कहते हैं ठीक है भाई ऑफलाइन रिफ्रेश, देखो फाइल्स आपकी चल रही हैं, सर्वर हमने बंद कर दिया। अब भी अगर फाइल्स को कैश करें तो वो कैश हो रही हैं, ठीक है ना जी। ये देखो सर्विस रजिस्टर, तो भाई यही है फाइल्स जो हमारी ऑफलाइन कैश हो गई हैं और ऑफलाइन चलना शुरू हो गई हैं। सर्वर बंद हो, सर्वर ऑन हो, इंटरनेट आए, इंटरनेट नहीं आए, आपकी फाइल चल रही।
उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि स्किप वेटिंग और सेल्फ डॉट क्लाइंट क्लेम को कमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐप का वर्जन अपडेट कर देता हूँ ताकि नए कैश बन जाए, पुराने कैश को ना ले। तो फॉन्ट हमने कैश करवा दिया यहाँ पर, और साथ में हम क्या करते हैं हेडर का जो हमारा कलर है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सही है। ऐप का वर्जन हमने अपडेट कर दिया, वर्जन 1.01। अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यहाँ पर एक नया सर्विसर आ गया है, लेकिन वो अब तक वेटिंग में है, वो एक्टिवेट नहीं है। उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, या तो दूसरे पेज पे जाओ, फिर वापस उस पेज पे आओ, तो वो आपका नया सर्विसर एक्टिवेट होगा। देखो यहाँ पर हेडर कलर चेंज होगा, और ऐसे आप रिफ्रेश करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जब आप सेल्फ इसको हम दोबारा 1.2 करते हैं, कलर दोबारा और थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस लाइन को और इस लाइन को अनकमेंट कर देंगे, मतलब ये दो लाइन काम करेगी। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया ना, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया, बस इतना सा काम होता है उसका। वो क्या करते हैं कि वो सेल्फ डॉट स्किप वेटिंग और सेल्फ डॉट क्लाइंट्स क्लेम, ये हेल्प करते हैं कि जब आपका कैश जो है वो अपडेट हो, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश पे आपके ऐप को अपडेट करते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।